हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके वीडियोस पर जो कॉपीराइट क्लेम आते हैं उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हो अपने चैनल से। जी हाँ, और ये 2024 अपडेट के बाद का बता रहा हूँ, यानी कि आप लोगों के लिए बिल्कुल नई ट्रिक है। और ये ट्रिक नहीं है, ये यूट्यूब की तरफ से ही अपडेट के बाद दिया गया है, जो कि आराम से आप लोग अपने वीडियोज से कॉपीराइट क्लेम को हटा सकते हो। बट एक चीज याद रखना, मैंने क्या बोला कि कॉपीराइट क्लेम को हटाने, कॉपीराइट स्ट्राइक को हटाने मैंने नहीं बोला है। वो किसी और वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि कॉपीराइट स्ट्राइक को कैसे हटाए अपने चैनल वीडियोस से। बट आज का टॉपिक हमारे ये होने वाला है, काफी सारे लोग पूछ रहे थे भाई हमारे चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आ गया है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, हमारे चैनल पर क्या दिक्कत होने वाली है, और क्या इससे हमारा यूट्यूब चैनल अगर मोनिटाइज नहीं है तो क्या मोनिटाइज में दिक्कत होगी। काफी सारी चीज क्वेश्चन के साथ साथ इस वीडियो से आपको काफी सारी नॉलेज भी मिलने वाली है, और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि आप कैसे इसको हटा सकते हो अपने वीडियो से। सबसे पहले मैं वही बताने वाला हूँ कि आप अपने वीडियो से कॉपीराइट क्लेम को कैसे हटा सकते हो हमेशा के लिए। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और बिना टाइम वेस्ट करते हुए, बिना बोर किए हुए आपको वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा, आप लोग चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार चैनल बहुत डाउन हो चुकी है। बहुत दिनों से मैंने वीडियोस नहीं बना रखा था, बहुत दिनों से मैं थोड़ा सा मतलब यूट्यूब को छोड़ रखा था, तो यार फिर से स्टार्ट कर चुका हूँ। तो यार थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग प्लीज यार सपोर्ट करना। और रीच डाउन हो गई यार, बुरा लगता है यार, इतने सारे मतलब क्या बताऊँ यार, वीडियो बनाता हूँ बुरा लगता है। तो यार प्लीज कर देना यार सब्सक्राइब, और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। तो यहाँ पर मैं आपको मोबाइल का स्क्रीन दिखा देता हूँ, कहीं पर दिख रही होगी, लगा देता हूँ मैं मोबाइल का स्क्रीन, और यहाँ पर मैं किसी और मोबाइल यानी दूसरे मोबाइल पे मैं करने वाला हूँ, और कॉपीराइट क्लेम को मैं हटाने वाला हूँ आपके सामने लाइव यहाँ पर हटा के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं देख लो, मैंने YouTube स्टूडियो को ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर ये मेरा फैमिली का एक चैनल है जिसके वीडियोस पे काफी सारे कॉपीराइट क्लेम आए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने म्यूजिक यूज किया था। अब क्लेम क्या होता है, पहले मैं हम लोग इसको हटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग बताएंगे, आगे बताऊंगा मैं आपको कि क्लेम कॉपीराइट क्लेम क्या होता है और इससे फर्क क्या पड़ता है आपके चैनल पर। तो सबसे पहले देखो, कॉपीराइट क्लेम हटाने के लिए कॉपीराइट या तो आपके म्यूजिक पे आते हैं या तो आपके वीडियो सेगमेंट में आते हैं, यानी कि आप अपने वीडियो में कोई क्लिप वगैरह यूज किए तो उस पर कॉपीराइट आते हैं। ज्यादातर केसेस में म्यूजिक पे कॉपीराइट आते हैं, क्योंकि म्यूजिक किसी और ऑनर का होता है, वो स्ट्राइक दे देता है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले चलो हम लोग देखते हैं इसको हटाएंगे कैसे। तो जैसे ये हमारा एक वीडियो से देख सकते हो, ये मेरे फैमिली का एक चैनल है जो कि वीडियोस बनाते हैं, और इसका वीडियोस मेहंदी वाला वीडियो से आप भी देख रहे हो, और यहाँ पर देखो कॉपीराइटेड लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ पर कॉपीराइटेड लिखा हुआ है। अभी हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, आपको भी इसी पे क्लिक करना है, क्योंकि ये नए अपडेट के बाद 2024 के नए अपडेट के बाद YouTube स्टूडियो ऐप में आने के बाद ये ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्लिक करना, क्लिक करने के साथ वीडियो तो फिलहाल अनलिस्ट है, यानी कि ये वीडियो को कोई नहीं देख सकता है फिलहाल में, मैं मतलब इसको अनलिस्ट कर रखा हूँ। और यहाँ पर नीचे देखो एक चीज ऑप्शन लिखा हुआ है, कॉपीराइट प्रोटेक्टेड कंटेंट फाउंड द ऑनर अलाउ द कंटेंट टू बी यूज्ड ऑन यूट्यूब, यानी ऑनर अलाउ कर चुका है कि यूट्यूब पे मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है, यानी कॉपीराइट इसमें कॉन्टेंट फाउंड किया गया है। तो यहाँ पर रिव्यू इशू का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, इसी पे आपको टैप करना है। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख लो नीचे एक ऑप्शन लिखी हुई है, ऑडियो का नाम है लैंडस्केप, यही मतलब कॉपीराइट दिया गया है इसी म्यूजिक की वजह से। तो यहाँ पर इंपैक्ट नो इंपैक्ट, यानी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है हमारे चैनल पर। तो सिंपली हम लोग इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं, और इसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लो सारी चीज ऑप्शन दी हुई है, और नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है डिस्प्यूट और इरेज सॉन्ग। डिस्प्यूट का मतलब ये हो गया कि आप लोग ये म्यूजिक जो है वो आप ही का है, बट गलती से कॉपीराइट आ गया है मतलब क्लेम, तो आप लोग डिस्प्यूट कर सकते हो, बट ये हमारा म्यूजिक नहीं है और मैं जानता हूँ इस चीज के, ये गलती मत करना, तो हमारा म्यूजिक ये नहीं है। और यहाँ पर इरेज सॉन्ग का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपली इरेज सॉन्ग पे क्लिक कर देना, और यहाँ पर इरेज सॉन्ग पे क्लिक करने के बाद जहां पर आपका वीडियो यानी ऑडियो जो इरेज होने वाली है, मतलब ऑडियो जहां से कॉपीराइट ले रही है वीडियोस में, वो ऑडियो यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। और यहाँ पर देख लो म्यूट ऑल साउंड इन क्लेम सेगमेंट लिखा हुआ है, बट इरेज कर देता हूँ डायरेक्टली, और यहाँ पर सेव करता हूँ। इरेज सॉन्ग पे क्लिक कर देना, और यहाँ पर लोडिंग लेने लगेगी, यहाँ पर एक सेकंड देख लो, यहाँ पर लोडिंग ले रही है, और यहाँ पर देख लो वीडियो एडिटिंग इन प्रोसेस यहाँ पर लिखी हुई आ चुकी है। देख लो यहाँ पर एडिटिंग यानी वीडियो एडिट होने लगी है, और यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पर कॉपीराइटेड वाली जगह पे चेकिंग पे चली गई है, यानी कि ये वीडियो से जो है एडिट प्रोसेसिंग पे चली गई है, यानी कि वो जो ऑडियो से जो कॉपीराइट क्लेम दिया था वो ऑडियो अपने आप रिमूव हो जाएगा, इरेज कर दिया जाएगा, और वो ऑडियो जो कॉपीराइट दिया गया है इस क्लेम वो खत्म हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि कॉपीराइट क्लेम होता क्या है और कॉपीराइट क्लेम से आपके चैनल पर क्या फर्क पड़ता है। देखो तो हम लोग अभी जान गए कॉपीराइट क्लेम को हटाएंगे कैसे, ये तो आप लोग जान गए, और ये जो अभी आप ऑप्शन देखें
ये ऑप्शन थोड़े ही समय में यहाँ पर एडिटिंग प्रोसेसिंग जो लिखी हुई है, थोड़े ही समय में एडिटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और वो कॉपीराइट क्लेम जो है हट जाती है, आपका एकदम नॉर्मल वीडियो बन जाता है। बस यही होगा कि वो जो म्यूजिक है वो हट जाएगा, इरेज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि कॉपीराइट क्लेम आने से दिक्कत क्या है। तो होता क्या है, अगर आपका चैनल मोनिटाइज है और आपको कॉपीराइट क्लेम आ चुकी है तो आपका पैसे जो है इस वीडियोस का उनके पास चला जाएगा जो आपको कॉपीराइट क्लेम दिया है, ठीक है। क्योंकि वो उनका मतलब समझ सकते हो प्रॉपर्टी है, एक तरह का बोल सकते हो, वो उनका चीज है तो उनके पास पैसे चले जाएंगे। और अगर आपका चैनल मोनिटाइज नहीं है कोई इफेक्ट, और जैसे मैंने बताया कि अभी मतलब हटा लो ये कॉपीराइट क्लेम, तो आप हटा लोगे तो फिर वो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका पैसा एड रेवेन्यू सब आपके पास आएगा। और दिक्कत ये है कि अगर आपका चैनल मोनिटाइज नहीं और कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं तो आप लोगों को दिक्कत है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसा कि आप लोगों को दिक्कत है, आप लोग कॉपीराइट क्लेम को हटा लेना मोनिटाइज में भेजने से पहले, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए दोस्तों। तो आप लोग ऐसा कोशिश करो कि मोनिटाइज में जब भी आप अपने चैनल को मोनिटाइज अप्लाई करते हो उससे पहले आप लोग अपने चैनल को अच्छे से चेक कर लेना, ताकि आपका चैनल पर कोई कॉपीराइट क्लेम वगैरह हो तो उसको ऐसे ही जैसे मैंने अभी बताया ऐसे रिमूव कर लेना, यानी कि आपका वीडियो नॉर्मल हो जाएगी। बाकी ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं है, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी। और भी कोई कम मतलब प्रॉब्लम है तो कमेंट में बता सकते हो। आज का लाइक हम रखते हैं 500 लाइक, आई नो कि आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाओगे यार, कोशिश करना, अगर कर दी गई तो अच्छी बात है। बाकी चलो आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।